मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान तेज हो गया है। टिकट की चाह पूरी नहीं होने पर लोग बगावत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में बगावत हो गई है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने उन्हें होशंगाबाद से उम्मीदवार बनाया है। मेरे लिए तो ये स्थिति है, मैं या तो घर बैठ जाऊँ और या मैदान में रहूँ, किस माध्यम से रह सकता हूँ, ये मेरे को दिखना पड़ेगा, एक ही माध्यम दिखा आ गया। दूसरी तरफ कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने पर पूर्व कांग्रेस सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी के बेटे नितिन चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। नितिन चतुर्वेदी छतरपुर की राजनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। बेटी के पर्चा दायर करने के दौरान सत्यव्रत चतुर्वेदी भी मौजूद थे। इस अन्याय के खिलाफ मैंने ये फैसला किया, मेरे बेटे ने ये फैसला किया कि वो जनता की अदालत में जाएगा और जनता से फैसला मांगेगा कि वो क्या कहता है। बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर को भोपाल की गोविंदपुरा सीट से टिकट दिया है, जबकि पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को इंदौर 3 सीट से उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने 5 को छोड़कर सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और चुनाव अभियान समिति के प्रमुख ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे।